गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड टू, वेलकम इन योर ऑनलाइन क्लास। दिस इज योर SST क्लास। ओपन योर बुक चैप्टर 8, पेज नंबर 50। टॉपिक फेस्टिवल्स आर फन। वी सेलिब्रेट मैनी स्पेशल डेज। वी एंजॉय दीज स्पेशल डेज विथ आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स। फेस्टिवल इज अ स्पेशल डे व्हेन पीपल गेट टुगेदर एंड सेलिब्रेट विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स। They pray, eat special food and give gifts to each other. Festival days are filled with happiness. Festival remind us of our custom and culture. Kinds of festivals. There are 3 main kinds of festivals: religious festivals, national festivals, harvest festival. Religious festivals are celebrated by the people of different religions. Diwali is the festival of lights. It is celebrated to mark the return of Lord Rama and Sita to Ayodhya after an exile of 14 years. On the night of Diwali, houses, shops and buildings are decorated with lighted lamps, diya, candles and electric bulb. People exchange gifts and sweets. Hindus worship goddesses Lakshmi and Lord Ganesha at night for prosperity and wisdom. Eid ul Fitr. Eid is celebrated at the end of Ramzan, the holy month of fasting. Muslims go to mosque and offer special prayers on this day. They embrace each other saying Eid Mubarak. Elders give gifts to children and all of them enjoy the special sweet dish Sivai. तो बच्चों, हम लोग इन दिस लेसन हम लोग पढ़ने वाले हैं त्यौहारों के विषय में। तो बच्चों, आज हम त्यौहार के बारे में जानेंगे कि पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं और यहाँ हर धर्म और समुदाय के लोग अपनी संस्कृति का जश्न मनाते हैं, जिसके कारण भारत त्यौहारों का देश भी कहा जाता है। तो बच्चों, भारत में हर दिन किसी न किसी राज्य में कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है जो अपने भारत को एक नई पहचान दिलाते हैं। इनके अलावा और भी हमारे कई प्रकार के पर्व त्यौहार मनाए जाते हैं। तो देयर आर 3 मेन काइंड्स ऑफ फेस्टिवल। यहाँ पर 3 प्रकार के फेस्टिवल दिख रहे हैं। रिलीजियस फेस्टिवल यानी धार्मिक त्यौहार, जैसे होली, दशहरा, ईद, क्रिसमस। नेशनल फेस्टिवल राष्ट्रीय त्यौहार, जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, गुरु नानक जयंती। हार्वेस्ट फेस्टिवल यानी किसानों का त्यौहार। ईद उल फितर, ईद के बारे में तो हम सभी जानते हैं। ईद का त्यौहार मुस्लिम समुदाय के लोगों का एक बड़ा त्यौहार है। मुस्लिम समुदाय के लोग रमज़ान के महीने में पूरे एक माह उपवास रखते हैं। मुस्लिम समुदाय के अनुसार महीने में इस रस्म को निभाने से पूरा जीवन सुख शांति से गुजरता है। तो बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। टुमारो वी विल स्टडी। थैंक यू चिल्ड्रन। गुड बाय। टेक केयर।